पर इस वक्त आप उत्तर प्रदेश का सर्वे देख रहे हैं, ओपिनियन पोल देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल, और उसमें साफ तौर पर जो आंकड़ा है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। एनडीए को 49% वोट मिलने का अनुमान, सपा कांग्रेस को 35% वोट मिलने का अनुमान, बीएसपी को 5% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 11% वोट मिलने का अनुमान। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, और सीधा मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि ब्रेक के बाद आया हूं। और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हैं, संभवतः लखनऊ से ही जुड़े हैं। सुरेंद्र जी मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, आप तो हमेशा ये कहते हैं लेकिन आप मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। चलिए अपनी बात पूरी जरूर करिए अब। जी जी सुरेंद्र भाई बोलिए। मसला रोहित भाई आपसे बिल्कुल कतई कोई नहीं, जब आप बीच में अचानक से टोक देते हैं तो तारतम्य टूट जाता है, मसला सिर्फ इतना था आप हमारे दोस्त हैं। तीन चार चीजें मैं ये कह रहा था, मैंने घोसी के चुनाव की मैंने एक विशेष परिस्थिति की बात की थी, नंबर एक। नंबर दो, 2019 के चुनाव में एनडीए को 51% वोट मिला था, तब 64 सीटें मिले। आज एनडीए को 49% आप ही के हिसाब से वोट मिल रहा है, तब 75 सीटें मिल रही हैं। तो मसले, मैं बात सिर्फ आपके डिस्क्रिपेंसीज को, क्योंकि देखिए ना तो चुनाव में सीटें, अगर आपका बस चलेगा तो आप 80 की 80 दे देंगे, प्रेम भाई 80 की 80 ले जाएंगे, हमारा बस चलेगा तो हम 80 की 80 ले जाएंगे सीटें। हम बात कर रहे हैं कि आप जो क्या नाम पैरामीटर्स रखिए वो एक रखिए। जैसे आपने वेस्ट बंगाल में आपने कहा कि वो 16 से 18 सीटें जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और कांग्रेस को और इंडिया ब्लॉक के दूसरे गठबंधन को यानी टीएमसी को आपने अलग अलग लड़ा दिया। भाई 10% हमको वोट दे रहे हैं, 44 उनको दे रहे हैं, अगर हम दोनों मिलकर के आ रहे हैं तो 54 देंगे ना हमको, तो कौन सी सीट जीत जाएगी भाजपा वहां, आप हमें बताइए। और उसी तरीके से उसके बरक्स आप कर रहे हैं, कर्नाटक में जेडीएस को और भाजपा को एक साथ लड़ा दे रहे हैं और हमको अलग लड़ा रहे हैं क्योंकि वो वहां ज्वाइन कर चुकी है। तो इस तरीके की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, अगर इस अन्याय पर भी मैं आपके सामने प्रश्न नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए आपको प्रश्न, नहीं प्रदीप सिंह जी उठाएंगे नहीं। अच्छा मैं बोल लूं, आप मैं बोल लूं रोहित जी? बिल्कुल अनुराग जी आप बिल्कुल जरूर बोलिए, और मैं प्रदीप जी का रिएक्शन भी लूंगा। प्रदीप जी लग रहा है सुरेंद्र राजपूत जी आपसे भी बहुत नाराज लग रहे हैं, मैं आप लूंगा आपसे जवाब प्रदीप जी। प्रदीप कतई नाराज नहीं, मेरे बड़े हैं। देखिए देखिए सवाल ये है, मैं बोलो देखिए सवाल ये है कि सुरेंद्र जी ने अभी अच्छी बात है कि हमारे घोसी का चुनाव गिनाया, लेकिन सुरेंद्र जी हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये क्यों बोल रही है, घोसी चुनाव तो हारी थी, छोटे चुनाव भी हार गई थी, लखनऊ जिला पंचायत हार गई थी, मिर्जापुर का जिला पंचायत हार गई थी, बरेली का जिला पंचायत सदस्य हार गई थी, छोटे छोटे चुनाव हारने लगी है। अब अगर प्रधानों में चले जाओगे तो वहां भी हारने लगे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की हालत अभी ये हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश के छोटे चुनाव भी हारने लगी है, बड़े चुनाव तो हार ही रही है। वो आपने बताया कि घोसी किस तरह से बीजेपी वहां पे घुस गई, बहुत तेजी से लड़ने गई थी ये बताने के लिए कि हम समाजवादी पार्टी को एक दिखाएंगे, उनके विधायक को तोड़ के और ले जाके उन्होंने लड़ाया, उसके बाद वो हार गए। तभी तो देखो आप हालत ये होगी, हारने के बाद मंत्री बनाने में दिक्कत हो रही है, अगर घोसी में हम लोगों ने नहीं हराया होता तो अब तक मंत्री बन गए होते। तो इसीलिए आप सोचिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति करती है, समाज के अंदर बंटवारे की राजनीति करती है, और ये जुमलेबाज जो झूठी राजनीति करती है उससे अब जनता ऊब चुकी है। इसीलिए जनता चाहती है कि हम ऐसे नेता को जो समाजवादी और जो हमारे गठबंधन के दल है वो कम से कम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, विकास के रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं। जहां तक संजय जी की बात आपने बोली, हमारे भी अच्छे मित्र हैं, ठंड में खड़े हैं, लखनऊ में कड़ाके की ठंड है भाई। आप मेरा तो बस इतना मानना है कि अगर आप रेहड़ी वाले के पास थोड़ा सा कैमरा लगा दीजिए, आइसक्रीम वाले के पास थोड़ा सा कैमरा लगा दीजिए, और जो वहां पे और लोग जो खड़े हैं चलते साइकिल या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं उनका कैमरा लगा दीजिए, माइक लगा दीजिए, तो आपको जवाब सही मिलेगा। लेकिन वो ऐसा करेंगे तो आपको एक निष्पक्ष जवाब मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खड़ा व्यक्ति बोलेगा कि हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, माने हम लोग मतलब तो पार्टी का सदस्य हो गए या समर्थक हो गए, इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। अगर हम लोग शब्द नहीं होता तो हम नहीं उठाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह से अन्याय देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर जिस विधानसभा में मैं लड़ता हूँ वहाँ अकबर नगर है, बताइए वहां पे कम से कम 4,000 लोग रहते हैं, उनका घर तोड़े दे रहे हैं आप, मनुष्य के पहले उनको घर बसाने की कोशिश नहीं कर रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिलाएं क्या कह रही थी कि हम तो बीजेपी को ने कहा था कि हम आएंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपको मकान देंगे, मकान तो दे नहीं रहे, बुलडोजर और चलाने की बात कर रहे हो मकानों को। ठीक है प्रदर्शन किया था, कोर्ट से जाके स्टे मिला,
सरकार ने तब भी नहीं सुना, हमें कोर्ट जाना पड़ा, हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे लेके आए। तो क्या 4,000, 3,500 लोगों को बेघर करने के लिए तो आपको सरकार में नहीं लाया गया है ना? तो क्या वो आपको वोट करेंगे? जो रो रही थी औरतें, जो कह रही थी 40 साल से मैं यहाँ शादी होके आई थी। ठीक है अनुराग भदौरिया साहब, आपको मैं रोकूंगा। और आप मेरा घर अनुराग जी की बात कर रहे हैं, ये भावनाएं कौन भूल जाएगा? कौन भूल जाएगा जिसकी भावनाओं से जुड़ा होगा, जिस घर से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी बात सुनी, अब अगला रिएक्शन लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, दोबारा आऊंगा आपके पास, आपको रोक रहा हूँ। ABP News, आपको रखे आगे।